सो वॉज गुड एवरीवन, आज हम आ चुके हैं PZ बाइकर्स पॉइंट पे। ये हमारे सामने खड़ी है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। इसमें हम इंस्टॉल करने वाले हैं ये हमारी फॉग लाइट, जो कि हमने आजकल काफ़ी सारी गाड़ियों में ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है मर्सिडीज वाली टाइप में। इसी के साथ में आपको हार्नेस भी देखने को मिल जाता है। ये इसका पूरा का पूरा हार्नेस किट है, जिसमें आपको कोई भी वायर टैम्परिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये एग्जैक्ट वायर का सेटअप आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, वो हमें कनेक्ट करना होगा बैटरी में, और सारी की सारी वायर्स आगे कनेक्ट हो जाएगी इन लाइट्स के अंदर में। एज यू कैन सी, यहाँ पर हमें कपलर्स भी दे रखे हैं। फटाफट से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा वायरिंग हार्नेस। इसमें आप समीर भाई, कौन सी वायर कहाँ जुड़ेगी? ये तो स्विच है, ऑलरेडी इसमें कनेक्ट है, स्विच चाहिए। ठीक है, और इसमें दो ये वायर है जो अपनी फॉग लैंप्स की हो जाएगी। ठीक है, फ्रंट में चली जाएगी। और ये दो है, एक तो अर्थिंग का हो गया और ये हो गया बैटरी कनेक्टेड, जो इग्निशन का करंट आएगा ना वो ये तार है। ठीक है, और एक्स्ट्रा एक वायर है, अपने एक्स्ट्रा कोई वायर लाइट इंस्टॉल करना चाहते हैं कभी भी, मतलब वायरिंग कट पिक नहीं करनी पड़ेगी सीधा इसमें से। अच्छा, इसमें कनेक्ट करके चालू कर दो। ठीक है, तो फटाफट से इस वायरिंग को सेटअप कर देते हैं और उसके बाद में सारी फिटिंग वापस लगाएंगे, सीट लगाएंगे, टैंक लगाएंगे। एंड काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है कि टैंक खोलने की क्या ज़रूरत पड़ती है, तो एज यू कैन सी यहाँ पर पूरा का पूरा वायरिंग जो है टैंक के नीचे ही फिटेड होता है। तो ये वाली जो वायरिंग है इसको भी हम टैंक के नीचे से ही टक इन कर देंगे अच्छे से और फिर टैंक वापस लगा देंगे। सो गाइस, यहाँ पर वायरिंग का काम पूरा का पूरा हो चुका है। सारी वायरिंग हमने यहाँ पर अच्छे से टक इन कर दी है, बैटरीज में कनेक्ट कर दी है, और उसी के साथ में फ्रंट वाली लाइट के कपलर्स यहाँ पर निकाल दिए, और साथ ही में माउंट्स भी यहाँ पर लगा दिए, जो कि हमारे पास है MG ब्रांड के मेटल CNC के अंदर में। शॉकर ट्यूब के ऊपर हमने ये क्लैंप को एडजस्ट कर दिया और सेकंड वाला यहाँ पर फिट किया जा रहा है। उसी के साथ में यहाँ पर एक और क्लैंप लगेगा, उसके बाद लाइट की फिटिंग स्टार्ट करते हैं। एंड साथ ही में जो हमारा स्विच है उसको भी यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर दिया है, बहुत ही ईजी एक्सेस के साथ में, सिर्फ एक क्लिक पर स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस, यहाँ पर दोनों लाइट्स की भी प्लेसमेंट अच्छे से हो गई है। एज यू कैन सी, यहाँ पर हमने शॉकर्स के ऊपर में अच्छे से माउंट लगा के उनके ऊपर लाइट्स को फिक्स कर दिया है प्रॉपरली। अब सिर्फ इनकी वायर्स कनेक्ट करनी है और सीधा स्टार्ट करना, और उसके बाद में पूरी के पूरी पैकिंग करके गाड़ी को नीचे उतार के फाइनल आउटपुट आप लोगों को चेक करवाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर सारी के सारी इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हो चुकी है, लाइट्स यहाँ पर लग चुकी है प्रॉपर फिटिंग के साथ में, वायर सारी हमने टक इन कर दी है, टैंक, सीट, साइड कवर सब कुछ एज इट इज़ लगवा दी है। स्विच यहाँ पर आ चुका है हमारा रेड और साथ ही में ब्लू, एंड ये हो चुकी है ऑन। चेंज करना ब्लिंक करना चेंज ठीक है। सो इसी टाइप के मॉडिफिकेशन के लिए आप आ सकते हैं PZ बाइकर्स पॉइंट पे।